हाय फ्रेंड्स, इज मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट अब फाइनली ये मंथ का आज लास्ट डे था और 43,989 हमारे को ये क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है और प्रीवियस मंथ के लो के नीचे भी क्लोज हुआ और ये 44,150 यानी 44,150 के इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो 44,150 पे ये जो क्लोज के नीचे जो क्लोजिंग हुई है ये ब्रेक डाउन दिखा रहा है। अब ये जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, हो सकता है बीच में कोई बाउंस दे दे और बाउंस दे के वो जो ऊपर जाके ट्रैप करने की कोशिश करे तो बात अलग है, अदरवाइज अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, अब मंथली चार्ट से हम लोग वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या प्राइस एक्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ब्रेकडाउन कैंडल थी 2 हफ्ते पहले की, फिर उसके बाद यहाँ से एक पुल बैक दिया गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और ये वीक फाइनली नीचे आके क्लोज हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे जब वीक्स बन रही थी तो सबको यही लगा था कि भाई अब बाजार निकल जाएगा ऊपर और फाइनली ऊपर के ट्रेड सबके एक्टिव हुए चले जा रहे थे और बाजार ने बड़ा ट्रैप किया और उन लोगों को ट्रैप किया जो लोग लॉस बुक नहीं कर सके, जो लोग पोजीशंस को कन्वर्ट नहीं कर सके, अपना लॉस बुक करके शॉर्ट नहीं मार सके, उन सबको मार्केट से बाहर कर दिया और जो लोग अभी भी लॉन्ग में बैठे होंगे उन लोगों को ऊपर ट्रैप कर लिया है। ठीक है, और मोस्टली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं रिटेल, वो लास्ट मोमेंट तक होल्ड करते हैं और लग रहा है कि आज उन लोगों ने लॉस बुकिंग करी होगी क्योंकि उनकी पोजीशन हैवी लॉसेस में चल रही होगी। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या एक्सपेक्टेड है, अब कल क्या पॉसिबिलिटी है क्योंकि वीकली चार्ट तो अब बियरिश हो चुका है। ठीक है, और अगर ये क्रॉस नहीं करा दोबारा से 44,140 को कल के दिन तो ये क्लोजिंग बेसिस ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा। तो 44,140 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये ना डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं, डेली चार्ट पे 44,140 के ऊपर 44,200 तक का ये लेवल है। अगर 44,140 से 200 क्रॉस हो जाता है कल के दिन तो फिर बाजार स्ट्रांग हो जाएगा, अदरवाइज बाजार वीक रहने वाले हैं। ठीक है, और डेली चार्ट पे भी प्राइस एक्शन बियरिश हो चुका है। ठीक, अब हम लोग ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओवरली चार्ट भी क्या बता रहा है, ये 150 से लेके 200 210 तक का हमारे को ये रेंज बता रहा है जो कि हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा है। तो अब हमारे को मोटा मोटा समझ में आ गया कि 44,140 से लेके 200 210 तक एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक, और उसके ऊपर चलना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट चार्ट हमें क्या बता रहा है, 15 मिनट चार्ट हमें ये बता रहा है कि ये काफी लंबे समय तक लास्ट में कंसोलिडेट करा है। अब ये क्या यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है या यहाँ से लॉन्ग बिल्टअप भी हुआ है या हुआ क्या है या फर्दर शॉर्ट यहाँ पे बिल्टअप हुआ है, इस सब को देखने के लिए ना अब हमारे को कल के प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब हमें उसमें ट्रेड कैसे करना है आप उसे समझने से पहले आज के प्राइस एक्शन को थोड़ा सा हम लोग वॉच कर लेते हैं जिससे हमें कल की एनालिसिस करने में हेल्प मिल सके। ठीक, ये 9:15 की कैंडल है जो जिसने रेजिस्टेंस के आसपास गई और वहां रेजिस्टेंस फेस करके नीचे क्लोजिंग हुई, फिर उसके बाद यहाँ बाउंस आया टिल द रेजिस्टेंस जोन और इस 350 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश हुई, 400 तक भी बाजार चला गया लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं आई तो बाजार फिर धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो गए और ये जो मॉर्निंग की जो 15 मिनट की कैंडल है उसको जैसे क्लोजिंग दी तो फिर ये जो पूरा एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे बाजार आ गया और यहाँ पे सारा दिन टाइम पास चलता रहा, सारा दिन टाइम पास हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस सारा दिन के टाइम पास से हमें क्या समझना है, हमारे को इससे क्या निकालना है, हमें ट्रेड कल कैसे करना है, हमें कैसे ये कंसोलिडेशन हेल्प करेगा उसे अब हम लोग समझते हैं। ठीक, अब देखिए ये 44,120 तो एक रेजिस्टेंस हो गया, 44,140 का हम लोगों ने लेवल पकड़ ही रखा है कि 44,140 तक का पूरा एक ये रेजिस्टेंस जोन है। ठीक, मैं इसको अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ भी कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये क्लैरिटी रहेगी कि हाँ क्या रेजिस्टेंस है हमारा, ये रहा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हमारे को, राइट, 44,140 तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब कल बाजार अगर
छोटा सा गैप अप खुलते हैं और 40,140-50 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ जाते हैं, कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा क्या टारगेट होगा? 43,930, ये जो सपोर्ट जोन है इसका टारगेट होगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकेंड, और जब ये ब्रेक कर देगा 43,930, तो नीचे के दो टारगेट एक्टिव हो जाएंगे। पहला टारगेट होगा 43,770, दूसरा टारगेट होगा 43,670। ये पहला सिनारी हो गया कि भाई फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है या गैप अप हो रहा है, कुछ भी, दोनों में। ठीक है, ये दो सिनारी हो गए। अच्छा, ये सेकेंड जो सिनारियो गैप अप वाला, अगर उसके ऊपर 44,150 के ऊपर टिक गया, देन वॉट? 44,150 के ऊपर सीधा सीधा टारगेट उत्पन्न होता है 44,355 से 360 तक। ठीक है, क्योंकि बाजार फिर रैली दे जाएगा, राइट? क्योंकि समझ में आ जाएगी कि आज जो जो भी प्राइस एक्शन हुआ वो ड्यू टू एनी न्यूज हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट हुआ है कुछ, जिसकी वजह से कुछ फॉल आया है। ठीक है, तो जो भी हुआ है, वॉट एवर इट इज, हमारे को प्राइस देखना है, राइट? अगर प्राइस कल 44,150 के ऊपर टिक जाता है, या ज्यादा से ज्यादा सेफ ट्रेडर्स ले लीजिए, ये 44,170-80 तक का लेवल पकड़ लीजिए अगर किसी को डर भी लग रहा है तो उसके ऊपर 44,355 से 360 बड़े आराम से आए, राइट? एक तो ये, दूसरा फ्लैट खुल के अगर बाजार नीचे चलते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए सपोर्ट क्या है? 43,930 तक का सपोर्ट है। इसे ब्रेक करेगा तो 43,770, 43,670 का टारगेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे ना, तो शांति से बैठिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना डाउन ट्रेंड चला है तो यहाँ कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है, तो हमें 44,140 तक कुछ नहीं करना है। 44,140 के आसपास आके हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। 44,150 से ऊपर हमारे को 44,360 करना है। भाई यहाँ आके ब्रेक डाउन देता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कल सारा दिन प्राइस 44,930 से लेके 44,140 के आसपास ही घूमता है तो ट्रेड ही मत कीजिएगा, करने दीजिए जो कंसोलिडेशन से करना है। ठीक है, ऊपर अगर कोई आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप देख लीजिएगा। नीचे से बाइंग अपॉर्चुनिटी आई डू नॉट रेकमेंड इस लेवल पे, जब तक ये 44,140-50 के ऊपर नहीं टिकता, तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं है कि बाजार ने जो ब्रेकडाउन दिया है वो उसके बाद बाजार पुल बैक दे रहा है, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, या वाकई में वो रिवर्स हो चुका है। तो रिवर्सल के लिए इंतजार कीजिए। ठीक है, हमारे पास मंडे भी रखा है, पूरी जिंदगी रखी है ट्रेड करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कल ही एकदम से उसके पीछे भागना है, इंतजार कीजिएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा शॉर्ट साइड ऊपर खेलने की और ब्रेकडाउन को खेलने की, और बीच में जो जोन है उसमें ट्रेड ना करने की। ठीक है, बाय साइड तो कम से कम अवॉइड कीजिए, राइट? आई होप कि आपको समझ में आई होगी एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिए, जिससे कि मेरे को ये पता रहे लाइक करने से कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस कंटिन्यूस आगे बनाता रहूं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।